अच्छी मूवी लगी और एक नए सब्जेक्ट पे बनाई गई मूवी है और सबको देखनी चाहिए, मुझे तो लगता है ये हिट होगी। और बहुत ही ये अच्छा लगा कि इसका लिस्ट नंबर 2 भी आने वाला है, मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। फिल्म का तो एक आइटम नंबर बड़ा अच्छा है। और इंस्पायर की बात करें तो एक गांव की स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक ऐसा टॉपिक उठाया इन्होंने कि हाँ, पहले गांव में ऐसा होता था कि वो लोग ऐसा ही करते थे, अपने घर को बनाने के लिए सब कुछ कर लेते थे, लेकिन इन्होंने वो स्टोरी लाई है हमारे बीच में और बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। मेरे हिसाब से तो इसको 4+ मिलना चाहिए, ये मेरी रेटिंग है, बाकी सब ने कुछ ना कुछ दिया ही होगा। बहुत अच्छी एक्टिंग लगी और लास्ट का जो सीक्वेंस इन्होंने जो एक सस्पेंस छोड़ा है, बहुत ही बेसब्री से मैं इंतज़ार करूंगा कि ये सस्पेंस कितनी जल्दी, जैसे बाहुबली छोड़ी गई थी वैसे ये भी छोड़ी गई, देखता हूं कि आगे क्या करते हैं ये लोग। फिल्म बहुत अच्छी लगी है, स्टोरी और संगीत, खासकर संगीत बहुत अच्छा लगा और एकदम लास्ट में जो सीन है ना, एकदम बहुत अच्छा है और जो गांव का हकीकत दर्शाया है इसके अंदर। नहीं, बहुत बहुत खुश किया हम लोग को और फैमिली को भी अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिलता है इससे, फिल्म से सीखने को परिवार में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से चलाना है परिवार को, सब सीखने को मिला। पाँच में से मेरी तरफ से तो 5 ही देना चाहूँगा मैं। अच्छा था, अच्छा लगा, स्टोरी भी अच्छा था, गाने भी अच्छे थे उसके अंदर, बढ़िया था। तो वो गांव का सीन था, तो गांव का सीन अच्छा लगा उसमें। अच्छा है तो 5 में 5 ही मिलना चाहिए। मूवी है, हर कोई जाके देख सकता है, थोड़ा सस्पेंस भी है और थोड़ी बहुत कॉमेडी हल्की फुल्की भी है, बट एक अच्छा है कि उन्होंने कुछ ये दिखाया है कि ये गांव के बारे में कैसा क्या होता है, थोड़ा बहुत रोमांटिक मूवी भी है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई यहाँ ये मूवी जाके देखे फैमिली के साथ में। इंस्पायर मैं यही कहना चाहूँगा कि मोर ऑफ द स्टोरी अच्छा मैसेज है सबके लिए कि भाई ये प्यार के बाद क्या होता है, कैसा नहीं होता है, ये सब लोगों के बारे में बीच में सबको आते हैं। मेरी और भी बाकी जब जो देखे, जब भी मेरे साथ में आए हुए लोगों ने, उन्हें भी पिक्चर देखी है, भाभी है, भाई लोग, सब ने अच्छे, सबको अच्छी लगी। मेरा कहना मतलब कि एक फैमिली मूवी है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ हर कोई जाए जाके देखे, ठीक है। गाना तो बस अभी भूल गया हूँ मैं, गाना बना था थोड़ा सा रोमांटिक था, थोड़ा देख लिया हम लोग ने, ओके 3.5 मेरे हिसाब से। सर मेरा नाम मोहम्मद नूर खान, मूवी तो मुझे बहुत पसंद आई और इतना पसंद आया कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा और लोगों को दिखाने में, क्योंकि मूवी देखने में, और मैं ये मौका ढूंढूंगा मैं नेक्स्ट टाइम पे और ऐसा मूवी आपका देखता रहूँगा। मुझे बहुत पसंद आई सर, और हमें आप मौका दीजिए आपकी मूवी हमें वापस देखने को मिले। सर गाना तो इसमें 2 ही आया, लेकिन अभी याद तो नहीं है, लेकिन गाना बहुत मेरी नेक्स्ट सर बहुत पसंद आया मुझे गाना। जी सर, 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे? सर आप 5 में से कितना देना चाहो तो जो देना है आपको, जितना मेरे तरफ से फुल दे दो आप। ठीक है, और सबसे इसमें अच्छा लगा है, इसमें ये भी थोड़ा मालूम पड़ा है कि दारू पीने से भी घर बर्बाद हो सकता है, वो सब भी अच्छी चीज़ें हैं, पिक्चर बहुत अच्छी है। इसमें पिक्चर तो मुझे पूरी शुरू से लेके लास्ट तक अच्छी लगी और गांव का भी सीन है इसमें सबसे ज़्यादा, सब कुछ अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं। 5 में से 5 के 5 दे दीजिए आप। बहुत ही रोमांटिक फिल्म और सस्पेंस फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन है, लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि बहुत ही देखिए मजा है, बहुत एंजॉय है, परिवार के साथ देख सकते हैं आप, हम दोनों बहुत मजा किए। मैं एक गाना तो मुझे याद नहीं है, बट वो यूट्यूब पे जाऊंगा ना तो मैं इसको निकालूंगा, गाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और मूवी एक नंबर, बहुत नेक, एक नंबर मूवी, एंजॉय करिए, ठीक है, थैंक यू। सिनेमा हॉल के पास आज इस जगह पर रिस्कनामा फिल्म देखने के लिए खुद यहाँ रिस्कनामा के लिरिक्स राइटर संजीत निर्मल जी आए हुए हैं, जो बेहद ही मंझे हुए लिरिक्स राइटर हैं।
जी ये मेरी 8वीं फिल्म है, इसके पहले मैंने 7 फिल्में दे चुका हूँ और इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद है मेरी कि शायद आप लोगों की दुआओं से, मीडिया वाले की दुआओं से और पब्लिक के दुआओं से अच्छी हो, हिट हो। कितने गाने इसमें आते हैं? इसमें सारे गाने मेरे ही हैं, टोटल 3 सॉन्ग्स हैं और तीनों सॉन्ग मैंने ही लिखे हैं। आज आपने पब्लिक के लिए जो फिल्म देखा, आपको कैसा लगा? पब्लिक के बीच में देखते हुए एक गीतकार आपने क्या अनुभव किया? जी मैंने जहाँ तक देखा कि इसमें एक्चुअली 3 अलग अलग टाइप के गाने हैं और इंसान कोई ना कोई टाइप को तो पसंद करता ही है, तो कुछ लोगों ने आइटम सॉन्ग को ज़्यादा पसंद किया, कुछ लोगों ने जो हमारा रोमांटिक सॉन्ग था उसको भी काफ़ी पसंद किया है और जो एक सैड सॉन्ग था तो उसको भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया जहाँ तक मुझे समझ में आया। सिंगर कौन कौन थे बताइए? जी सिंगर इसमें थे कलतमश फरीदी जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों, बाजीराव मस्तानी और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने गाए हैं, मोहम्मद इरफान है आप लोग जानते ही होंगे और रानी हजारिका, ये 3 सिंगर हैं जो मार्केट के हैं और अच्छा उन्होंने अच्छी आवाज़ दी है, उन्होंने हमारे लिरिक्स को और भी सुंदर बनाया है, इसलिए थैंक यू ऑल सिंगर्स। बर्थडे पे आप अपना गाना देख करके संतुष्टि हुई? जी। अच्छा इसमें कौन सा गाना सबसे अच्छा है? जी मेरे हिसाब से इसमें एक गाना जो है वाह वाह रे इश्क फकीरा, जी ये मुझे लिखा उसके बोल बता दीजिए। जी वो ऐसा है कुछ वाह वाह रे इश्क फकीरा, वाह वाह रे इश्क फकीरा, मोड़ देवे हथ दिल कीरा, वाह वाह रे इश्क फकीरा, कोई रस्म और रिवाज न जाने, अपनों को न अपना माने, बस रूह दिगल ही माने, बस रूह दिगल ही माने, वाह वाह रे इश्क फकीरा, वाह वाह। अभी तो यहाँ का रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर मेरा 80% का ओपनिंग आज हुआ है और साउथ और नॉर्थ में इसका काफ़ी अच्छा ओपनिंग हुआ है, बिहार साइड में तो इसी काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रखी है इस फिल्म ने। देखिए ये सेकंड डे ही से मुझे पता था कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी चलेगी क्योंकि इसके म्यूजिक इन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हैं, ये और म्यूजिक डायरेक्टर जो भी है इन्होंने दुष्यंत जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल की मूवी बनाई है। एक सामाजिक है जो हमारे पहले में जो होते थे गांव में, तो उस तरह की एक पूरी घटना पर पूरी आधारित मूवी है, इसको सचिन गुज्जर जी ने बहुत अच्छे इसमें एक्टिंग की है और इस फिल्म अरुण नागर जी ने बहुत अच्छी इसमें डायरेक्शन किया है, बहुत अच्छा किया उन्होंने और थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने भी मुझे इतनी अच्छी फिल्म में गाना लिखने का मौका दिया और धीरज जी को भी थैंक यू करता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने अच्छा मतलब फिल्म को बढ़िया बनाने की कोशिश की है जी। Thank you.